पूर्व सांसद बाहुबली नेता आनंद सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके सामने ही भिड़ गए उनके समर्थक। सांसद जी देखते रह गए कि आखिरकार ये क्या हुआ, लेकिन जल्द ही अन्य नेताओं ने मामले को शांत करा दिया। पूरा विवाद डुमराऊ के राजा कमल सिंह की मूर्ति अनावरण करवाने को लेकर हुआ था। दरअसल पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद रविवार को बक्सर पहुंचे थे। नगर के किला मैदान में चंद्रशेखर फाउंडेशन और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में जिले भर से आनंद मोहन के समर्थक पहुंचे थे। पूर्व सांसद ने बक्सर पहुंचने के बाद सबसे पहले वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ किला मैदान पहुंचे। किला मैदान में उन्होंने कहा, करीब 16 साल के बाद जेल से बाहर निकला हूं। शाहबाद की धरती पर जब भी आता हूं, तब बाबू वीर कुंवर सिंह से ऊर्जा लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यही ऊर्जा पुनः उन्हें संघर्ष के समय काम आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जेल से निकलने के बाद फिलहाल वो बक्सर में अपने मित्रों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लगाने आए हैं, आप जगिए। 80 वर्ष के हड्डी में भी इस तरह से ज्यादा जोश पुराना था। आज आनंद मोहन जी निकले हैं 16 साल के बाद और वहाँ अभिनंदन रखा गया। आइए सब लोग। बहुत ही प्रेरणास्पद स्थल है बाबू वीर कुंवर सिंह की कुर्बानी, उनका शहादत सबके लिए एक प्रेरणा पुंज है, प्रेरणा का स्तंभ है। हम सब नमन करने आए हैं। जब भी शाहबाद आते हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे बलिदानी को नमन करते हैं। उससे ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, संघर्ष की, स्वाभिमान की ये ताकत मिलती है। ऐतिहासिक बक्सर से आज क्या संदेश राजनीतिक बिहार में, खासकर मिशन 24-25? देखिए, अभी 24-25 की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम आए हैं जेल से निकलने के बाद 16 वर्षों बाद अपने साथियों से मिलने, और अभी 23 नवंबर को एक रैली है पटना में, पटना गांधी मैदान में, उसका आमंत्रण लेके आए हैं और विस्तार में बातचीत करेंगे। अच्छा, आप 15 साल बाद आए हैं, तब की राजनीति और आज की राजनीति क्या फर्क? बहुत बदलाव, बहुत फर्क। अब इतनी बात तो अब काफी विलंब है।